हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सन काशियंस। और आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल आई हार्ट ब्यूटी सेल रिकमेंडेशन। तो पर्पल से ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग कर रखी है एंड ऑल्सो मैं उन्हें यूज़ भी कर चुकी हूँ। तो मैं आज आप लोग के साथ अपने कुछ रिकमेंडेशन शेयर करती हूँ जो कि आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप पर्पल से शॉपिंग कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं मेरी रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले मैं स्किन केयर से स्टार्ट करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि स्किन केयर के कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ये गुड वाइब्स का विटामिन सी टोनर। ये आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए एंड इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। बट पर्सनली ये मुझे काफ़ी पसंद आया एंड ऑल्सो मैं काफ़ी सारे टोनर्स पहले यूज़ कर चुकी हूँ एंड वो खाली भी हो चुके हैं, दैट्स व्हाई मैंने इन्हें परचेज़ किया था। तो पर्पल का ये विटामिन सी टोनर मुझे काफ़ी पसंद है। स्किन ब्राइटनिंग के लिए ये टोनर काफ़ी अच्छा है एंड स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। काफ़ी अफोर्डेबल है ये। पर्पल के सारे ही प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं पर्पल पे एंड ऑल्सो सेल में ये और भी ज़्यादा अफोर्डेबल मिलते हैं। तो ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप गुड वाइब्स के टोनर ज़रूर यूज़ करो। इसके पहले भी मैंने इसका ग्रीन टी टोनर यूज़ कर रखा है, वो भी मुझे काफ़ी पसंद था एंड देन मैंने ये दूसरा वेरियंट ऑर्डर किया है स्किन ब्राइटनिंग के लिए। विटामिन सी काफ़ी अच्छा होता है एंड ऑल्सो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी में विटामिन सी के प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, दैट्स व्हाई मैंने इससे ही परचेज किया है। एंड ये काफ़ी अच्छा ग्लो टोनर है तो काफ़ी अच्छा ग्लो भी मिलता है एंड ऑल्सो आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है। इसके प्राइस की बात करें तो 215 रुपीज़ में 110 ml की क्वांटिटी आपको रिसीव हो रही है, तो क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड ऑल्सो इसका स्प्रे जो है वो काफ़ी थिन है, काफ़ी जैसे ये आपके फेस पे स्प्रे होता है तो इसका स्प्रे मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये था मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। देन सेकेंड स्किन केयर का जो प्रोडक्ट है वो है ये फोमिंग फेस वॉश। अगर आपने गुड वाइब्स का फोमिंग फेस वॉश नहीं यूज़ किया है तो आप यूज़ कर सकते हो। ये मेरा रोज़हिप वाला है, इससे पहले भी मैंने केसर एंड ऑल्सो एलोवेरा भी यूज़ किया है गुड वाइब्स का फोमिंग फेस वॉश का, तो इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है एंड ये मैंने रीपरचेज किया है दूसरे वेरियंट में। मैं अलग अलग वेरियंट ट्राई करती रहती हूँ ताकि इसका रिज़ल्ट मुझे पता लग सके कि किसका रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो इसका मुझे रोज़ हिप वाला वेरिएंट काफ़ी अच्छा लगा जो अभी मेरे पास है एंड ऑल्सो इसे मैं रीपरचेज़ भी ज़रूर करूँगी अगर ये मेरा बॉटल फिनिश हो जाता है तो। एंड इसकी प्राइस की बात करें तो 349 रुपीज़ में है, बट ऑल्सो आपको ये सेल में 200 या 250 220 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। तो इसका फोमिंग फेस वॉश भी काफ़ी अच्छा है एंड ऑल्सो काफ़ी अफोर्डेबल है। ये काफ़ी सॉफ्ट ब्रिस्टल्स हैं, सिलिकॉन ब्रिस्टल्स एंड ये काफ़ी अच्छे से आपके स्किन को डीप क्लीन करता है, तो ये फेस वॉश मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड ये भी मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। देन उसके बाद जो है वो है ये गुड वाइब्स का शावर जेल। इसके पहले मैंने इसका ब्लू वेरिएंट, येलो वेरिएंट सारा ट्राई कर लिया है एंड उसमें से मुझे ब्लू वाला काफ़ी पसंद था, बट अभी जो गुड वाइब्स का ये शावर जेल लॉन्च हुआ है, आई थिंक ये न्यू लॉन्च है एंड इसमें ये मुझे पिच वाला वेरिएंट काफ़ी पसंद आया। फ्रेंड्स आप इसका कलर देख सकते हो, पिच कलर में है एंड ऑल्सो इसमें छोटे छोटे बीड्स मिल जाएंगे आपको ब्लैक और ब्लू कलर में, तो वो काफ़ी अच्छा है ना। आप देख सकते हैं इसका बॉटल मैंने पूरा फिनिश कर दिया है, केवल इतना सा बचा है। ये भी मैंने आपको रिव्यू करने के लिए रखा था कि ये काफ़ी अच्छा शावर जेल है एंड ऑल्सो काफ़ी अफोर्डेबल भी है, तो 249 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। गुड वाइब्स का ये पीच शावर जेल है जो कि रिफ़्रेश कर देगा आपके मूड को एंड इसमें 3 ml की क्वान्टिटी रिसीव हो रही है आपको 249 रुपीज़ में, तो काफ़ी अफोर्डेबल है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं पूरा बॉटल मैंने इसका फिनिश कर लिया है। देन उसके बाद अगर आपने गुड वाइब्स के फेशियल क्रीम या फेस स्क्रब नहीं यूज़ किया तो उसे भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि नेक्स्ट आपको मैं ये गुड वाइब्स का फेस स्क्रब, ओट एंड मिल्क फेस स्क्रब है ये, काफ़ी
फाइन पार्टिकल्स हैं इसके एंड ये काफ़ी अच्छा स्क्रब है, आपके फेस को ब्राइटनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स, एंड स्क्रब से आपकी फेस भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में कोई स्क्रब ट्राई करना है तो आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग भी कितनी अच्छी है। गुड वाइब्स का ये ओट्स एंड मिल्क स्क्रब ज़रूर ट्राई करें, इसमें ओट्स एंड मिल्क है, दोनों ही काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे फेस को अच्छे से डीप क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन मेरा ये फेस स्क्रब है मिल्क एंड ओट्स। इसके अलावा भी आप और भी इसका वाइन वाला स्क्रब ट्राई कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ एंड एम्प्टी प्रोडक्ट में वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत जल्दी मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि काफ़ी सारे स्किन केयर एंड हेयर केयर मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने फिनिश कर लिए हैं, तो मैं बहुत जल्दी एम्प्टी प्रोडक्ट्स पे भी वीडियो बनाऊँगी एंड ऑल्सो उसका मिनी रिव्यू भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी ताकि आपको पता चल सके कि कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं आपको परचेज़ करने चाहिए एंड कौन से नहीं। नेक्स्ट अब हम लोग मेकअप में देख लेते हैं कि मेरा मेकअप में क्या रिकमेंडेशन है। तो सबसे पहला ये स्टीक वाकी का फर्स्ट बेस प्राइमर ऑयल मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी एंड इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो काफ़ी कलरफुल सी पैकेजिंग है एंड इतना छोटा सा बॉटल आपको रिसीव हो जाता है। तो ये फर्स्ट बेस प्राइमर ऑयल है, तो अगर आपकी काफ़ी एक्सट्रीमली ड्राई या ड्राई स्किन है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, ड्राई स्किन वाले इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, यह आपके फेस को प्राइम भी करता है एंड सो ये फेशियल ऑयल का भी नीड पूरा करता है। तो काफ़ी अच्छा फर्स्ट बेस प्राइमर ऑयल है, इसे अप्लाई करने के बाद आपको कोई भी प्राइमर अप्लाई करने की नीड नहीं होगी, काफ़ी स्मूथ बना देता है ये आपके बेस को। तो ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, ये स्टे क्वागी का फर्स्ट बेस प्राइमर ऑयल है, इसका प्राइस 225 रुपीज़ है फ्रेंड्स, 10 ml मिल जाएगा इसमें आपको 225 रुपीज़ में एंड ये काफ़ी टाइम तक चलता है क्योंकि इसके केवल 1 ड्रॉप ही काफ़ी है आपके पूरे फेस के लिए, काफ़ी अच्छे से ये स्प्रेड हो जाता है एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो ड्राई स्किन वालों के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। देन अगर आपने NYBA का न्यूली लॉन्च प्राइमर नहीं ट्राई किया है फ्रेंड, वो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये NYBA का ऑरेंज प्राइमर है, ये आपके डार्क सर्कल एंड डार्क स्पॉट्स को हाइड करता है। इसमें 2 और भी वेरिएंट्स हैं, वो दोनों भी मेरे पास हैं बट ये मुझे काफ़ी पसंद आया, NYBA का ऑरेंज प्राइमर काफ़ी स्मूथ बना देता है आपके बेस को। तो ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी एंड इसकी प्राइस वाली 249 रुपीज़ है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। देन उसके बाद हम लोग कॉम्पैक्ट की बात करें तो स्टे क्वागी का कॉम्पैक्ट पाउडर मुझे काफ़ी पसंद आया एंड इसे मैंने अपने मेकअप में भी यूज़ किया हुआ है, आप मेरी मेकअप वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके का आपको इसमें एक स्पॉन्ज मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी सॉफ्ट है ये एंड इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है, ये रही इसकी कवरेज आप देख सकते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी काफ़ी अच्छा है एंड इसे मैं ब्रश से अप्लाई करना ज़्यादा प्रिफर करती हूँ क्योंकि ब्रश से मैं पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर पाती हूँ इवनली, तो दैट्स व्हाई मैं इसे ब्रश से ही अप्लाई करती हूँ। अगर आपको स्पॉन्ज एप्लीकेटर पसंद है तो आप स्पॉन्ज एप्लीकेटर से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने ये शेड लिया है, आइवरी शेड है, आइवरी वैन यू वरी 1 शेड में यहाँ शेड नेम मिल जाएगा आपको, इसका भी प्राइस 249 रुपीज़ है फ्रेंड्स, तो काफ़ी अफोर्डेबल है ये अगेन। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर परचेज कर सकते हो अपने लिए। देन उसके बाद NYBA के ये न्यूली लॉन्च ब्लश मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये काफ़ी हाईली पिगमेंटेड ब्लशर हैं फ्रेंड एंड मेरे पास 2 शेड्स हैं, आप देख सकते हैं इसका शेड कितना प्यारा है, ये रहा इसका, ये पिच कलर में है फ्रेंड्स, काफ़ी हाईली पिगमेंटेड ब्लशर्स हैं एंड इजीली ब्लेंड हो जाता है ये आपके स्किन में एंड बिल्कुल भी पैची सा नहीं लगेगा, आप देख सकते हैं कितना इजीली ब्लेंड हो गया है। तो ये है शेड नंबर 7 जो कि पिच एंड ऑरेंज काइंड ऑफ शेड में है एंड जो नेक्स्ट है वो शेड 1 है,
तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मॉवी काइंड ऑफ शेड है फ्रेंड्स, तो अगर आपकी मीडियम स्किन टोन है तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा शेड है। ये मॉवी स्किन टोन के लिए आप देख सकते हैं जो मैंने शेड पहना है बिल्कुल उससे मैच कर रहा है, तो ये मीडियम स्किन के लिए काफ़ी अच्छा शेड है एंड काफ़ी क्रीमी ब्लशर है फ्रेंड्स। काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जाता है ये स्किन में एंड इसमें कलर्स भी काफ़ी प्यारे प्यारे हैं, तो एक बार आप इसे ज़रूर चेकआउट करें। दैन उसके बाद काजल की बात करें तो स्टे क्वागी का ये काजल मुझे काफ़ी पसंद है एंड काफ़ी अच्छा है। इस टाइम मैंने यही काजल अप्लाई किया है फ्रेंड, आप देख सकते हो उसमें काफ़ी अच्छी खासी क्वान्टिटी भी मिल जाती है इस तरीके के पैकेजिंग में है फ्रेंड्स। ये सारे न्यूली लॉन्च्ड हैं एंड इसका तीनों वेरिएंट मैंने परचेज़ किया है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी अफोर्डेबल है। 250 रुपीज़ में ये आपको पर्पल पे मिल जाएगा, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आप बिगिनर हैं एंड आप अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट लेना चाहते हैं तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। ये भी काफ़ी अच्छा एंड हाईली पिगमेंटेड है, इससे मैंने मेकअप लुक भी क्रिएट किया है, तो आप मेरी वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब लिपस्टिक की बात कर लेते हैं, तो लिपस्टिक में मैं आप लोग को स्टे क्वाकी का यू आर माई गर्ली क्रश शेड आप देख सकते हैं, ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, 1 or 2 ईयर्स हो गए हैं एंड ये फिनिश भी हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा है एंड ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शेड है यू आर माई गर्ली क्रश स्टे क्वाकी का। दैन इसमें मैंने सेकेंड शेड ऑर्डर किया है एंड ये है हॉट इन एवरी लैंग्वेज, तो ये भी काफ़ी प्यारा शेड है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऑरेंज एंड ब्रिक शेड में है ये, तो ये भी काफ़ी प्यारा शेड है इसका, ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करें हॉट इन एवरी लैंग्वेज एंड ऑल्सो यू आर माई गर्ली क्रश। ये दो लिपस्टिक्स मेरे फेवरेट हैं, मोस्ट फेवरेट स्टे क्वाकी के, तो ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी एंड इसकी प्राइस 300 something है या 250 something, मुझे इसका प्राइस नहीं याद है, आप लोग इसे ज़रूर एक बार चेकआउट करें। ये रेंज काफ़ी अच्छी है स्टे क्वाकी की एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ स्मच प्रूफ लिपस्टिक्स हैं ये, तो ये भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे सेल पे। एंड देन उसके बाद मैंने अपने शादी में अपने किट के लिए ये लिपस्टिक ली थी स्टे क्वाकी की, ये मिनी लिपस्टिक है एंड ये है गोल्ड डिगर शेड, ये मिनी लिपस्टिक है, तो ये काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी एंड इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है। ये आपको 235 रुपीज़ में मिल जाएगी पर्पल से, तो ये भी एक बार आप ज़रूर चेकआउट करें, ये काफ़ी प्यारा रेड शेड है हॉट रेड शेड। एंड देन उसके बाद ये बेला वोस्टे का बेबी पिंक शेड लिपस्टिक है फ्रेंड्स, काफ़ी फेवरेट है मेरा, मैं इसे डेली मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ, जब भी मैं कभी जाती हूँ बाहर या घर पे मुझे कोई लिपस्टिक अप्लाई करना होता है तो ये मेरा गो टू लिपस्टिक है, मैं इसे ज़रूर अप्लाई करती हूँ एंड काफ़ी प्यारा शेड है ये। अभी जो मैंने लगाया है सेम इससे मिलता हुआ ही शेड है ये बेला वोस्टे का एंड ये भी आपको 150 something में मिल जाएगा purple.com पे। एंड उसके बाद गुड वाइब्स का ये जैस्मिन मिस्ट है फ्रेंड्स, ये आपके मेकअप को थोड़े देर के लिए फिक्स भी करता है एंड ऑल्सो काफ़ी अच्छा फेस मिस्ट है, इसमें मैंने रोज़ जैस्मिन लेवेंडर तीनों ट्राई कर रखा है, तो इसके सारे वर्जन्स मुझे काफ़ी पसंद हैं एंड इसका भी प्राइस 250 रुपीज़ है, तो ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का पर्पल आई हार्ट ब्यूटी सेल रिकमेंडेशन, तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स पसंद आए हों तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड बी हैप्पी।